वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम बार्सिलोना। जैसे कि आपको पता है कि हम रात को बार्सिलोना पहुंच गए थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो रात को तो हम सिर्फ डिनर करके वापस चले गए थे होटल में। सफ़र की थकन भी थी, काफ़ी लंबा सफ़र था तो कुछ ख़ास एक्सप्लोर नहीं किया। तो अभी है कि हम आज सारा दिन बार्सिलोना सिटी में स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि इस एक दिन में हम क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो आए चलते हैं बार्सिलोना सिटी की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया था, जो सिटी में रात को चेक करना चाहिए था लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, वो था कि यहाँ पे चेक करना कि कितने माइल्स या किलोमीटर हमने सो फार ट्रैवल किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं 1759 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है। वो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा कि मैंने मीटर अपना रीसेट किया था कि चेक करने के लिए कि बार्सिलोना पहुँचने तक हम कितने किलोमीटर्स या माइल्स चलते हैं। तो अभी चूँकि किलोमीटर्स में मीटर कन्वर्ट किया हुआ है तो 1759 आई थिंक था। तो ये हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। वैसे तो स्ट्रेट डिस्टेंस कम है लेकिन हम क्योंकि बीच में काफ़ी जगहों पे सैनिक रूट्स लिए, मेन मोटरवेज़ छोड़ के इधर उधर भी ट्रैवल किया, तो इसलिए ये वाला हमारा ट्रिप थोड़ा निस्बतन लंबा हो गया। तो आते हैं वापस सिटी की तरफ। तो ये बार्सिलोना सिटी का बीच वाली साइड का एरिया है। यहाँ पे ये फेमस कोलंबस का वो स्टैचू लगा हुआ है जिसमें वो समंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है जहाँ पे उसने अपना वॉयज स्टार्ट किया था। रात को भी कार इधर आए थे लेकिन उस वक्त तो कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन दिन के टाइम तो क्या ज़बरदस्त है सीनरी, धूप खूब चमक रही है जो कि बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलती है। बार बार मैं धूप का जिक्र करता हूँ क्योंकि हम धूप के तरसे हुए लोग हैं, तो इसलिए हमें धूप बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। मेरे राइट साइड पे सारा बीच का एरिया है। अभी देखते हैं कहीं पे हमें पार्किंग मिल जाती है तो फिर उधर के बीच की तरफ जाते हैं। ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ी बल्कि निस्बतन ईज़िली हमें पार्किंग मिल गई है, अंडरग्राउंड पार्किंग। ये बार्सिलोना में अच्छा हमने देखा है कि यहाँ जगह जगह ना अंडरग्राउंड पार्किंग्स बनी हुई हैं। तो है तो काफ़ी एक्सपेंसिव लेकिन एटलीस्ट चले फैसिलिटी तो मिल जाती है ना कि फेमस स्पॉट के पास ही पार्किंग। पार्किंग से सामने निकले हैं तो बिल्कुल सामने ही हमारे, आप भी देख सकते हैं कि बीच नज़र आ रहा है। तो अभी चलते हैं बीच की तरफ। वैसे तो ठंड है, पानी में तो नहीं जा सकेंगे, ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट है वेदर, धूप भी काफ़ी चमक रही है लेकिन फिर भी ठंड है, इतनी भी गर्मी नहीं है कि हम पानी में जा सकें। तो चलें करीब से बस एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा व्यू देख लेते हैं और देखते हैं बीच के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं या कैसे बीचेस हैं इधर के स्पेन के। बार्सिलोना का बीच तो भाई नंबर ले गया है। ना सिर्फ यहाँ पे बहुत ही रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है बल्कि रौनक भी ऐसी कि आप एक तरफ तो रिलैक्स होना चाहें तो आगे जाके सैंड में बैठ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, और अगर आप यहाँ की रौनक और उस चीज़ को एंजॉय करना चाहें तो आप इस फुटपाथ पे वॉक करते रहें बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बहुत ही हैपनिंग किस्म का ये बीच है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वॉलीबॉल खेला जा रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं, दूसरी साइड पे शॉप्स हैं। मीन के हर किस्म के बंदे के लिए फुल एंटरटेनमेंट है कि आप जिस भी मोड में हो, जिस किस्म का भी आपका दिल चाह रहा हो, आप उस किस्म के माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। बीच पे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया। प्रोग्राम तो नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बैठे रहने, बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो जो हमारा स्केड्यूल था कि एक दिन में काफ़ी और चीज़ें करनी है, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बीच पे हमने अपने स्केड्यूल से बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। अभी आप देख रहे थे जब बीच छोड़ा था तो उस वक्त ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था, और हमारा इरादा था कि स्पेन के बीच के अलावा जो सबसे बेस्ट और फेमस स्पॉट है वो है यहाँ का एक फेमस चर्च, जिसको सरगादा फैमिलिया भी कहते हैं। और यहाँ सिटी में जगह जगह पे काफ़ी मेन जगहें हैं जिन जो विज़िट करने वाली हैं। तो लेकिन अब ये कि उन सब चीज़ों का तो टाइम नहीं। अब एक जो सरगादा फैमिलिया है उसको तो मिस नहीं करना। अगर आप बार्सिलोना में आए हों, और बार्सिलोना का बीच और सरगादा फैमिलिया, ये दो जगह तो मेरे नज़दीक ऐसी हैं कि इनको आप कभी मिस नहीं कर सकते। बल्कि नहीं, इसके अलावा भी इतनी जगहें हैं जो लिस्ट में थीं और जिनको प्लान था कि कुछ भी हो जाए इन सब को मिस नहीं करना, जिसमें गोथिक क्वार्टर और पता नहीं क्या क्या लिस्ट थी। लेकिन खैर, ये सामने हमें सरगादा फैमिलिया का चर्च नज़र आ गया। वाह, क्या बात है यार! मीन के जैसा तस्वीरों में या वीडियोस वगैरह में देखा था, उससे बढ़ के है। एक अजीब सा इसका वो है, तिलिस्माती सा, मतलब एक बहुत ही कैची है कि आप देखते हैं तो देखते ही रह जाएं। अभी हम चर्च की दूसरी साइड पे आ गए हैं। पता नहीं फ्रंट वाली कौन सी है और बैक वाली कौन सी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फ्रंट साइड है, और कुछ जगह पे लगा हुआ था कि एंट्री। मेरा ख्याल यही शायद फ्रंट वाली साइड है। जो इससे पहले हम देख रहे थे वो इसकी रेयर वाली साइड थी, क्योंकि मेन जो एंट्री पॉइंट है वो इसी साइड पे है। तो इट मीन्स डेफिनेटली ये वाली फ्रंट वाली साइड होगी। लेकिन खैर, हमें क्या दोनों तरफ से एक जैसा ही लग रहा है। पी क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन अंदर तो नहीं जा सकते, और बाहर से ही लाइट भी कम होगी। लेकिन लकीली ये है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसको क्लोज़ कैप्चर करने में या इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसको क्लोजली कैप्चर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो भी है आर्टिफिशियल लाइट है वो किसी जगह पे कम हो जाती है, किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जब जूम इन करते हैं तो उसमें भी वो थोड़ा सा अजीब सी हो जाती है। लेकिन आई होप कि इस सब के बावजूद काफ़ी अच्छा कैप्चर हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइट्स जो इन्होंने ये फ्लड लाइट्स लगाई हुई हैं काफ़ी हैं और बिल्कुल टॉप तक हो जा रही हैं। इवन ये जो टॉप के स्टार्स हैं उनका व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा है। चलें जी, तो अब चला जाए अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि यहाँ का एक फेमस बाज़ार है कि स्ट्रीट है, उसका नेम रमला। अब स्पेनिश में पता नहीं क्या उसको रामला बोलते हैं कि रमला बोलते हैं, खैर जो हमने पढ़ा है और समझ आया है। तो अगर किसी को सही तरह से प्रोनाउंस करना आता हो तो कमेंट में शेयर कर सकता है। तो वो जो है वो तकरीबन बीच वाली साइड पे है। दोबारा हमें पूरा ऑलमोस्ट सिटी ही क्रॉस करना पड़ेगा और बल्कि अच्छा ही हो जाएगा क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से लाइट्स बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं सिटी में, तो हमें ये मौका मिल जाएगा पूरे सिटी को एक्सप्लोर करने का। तो चले सिटी की लाइट्स को भी इंजॉय करते हैं, इसकी डेकोरेशन को भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रमला की तरफ। रमला स्ट्रीट के ऊपर ही हमें पार्किंग मिल गई है, तो अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा के तो फिर थोड़ा वॉक अराउंड भी करते हैं इस स्ट्रीट में और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्ट्रीट तो क्या ही ज़बरदस्त है। एक तो लाइटिंग की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है लाइटिंग और डेकोरेशन जो की हुई है। अब पता नहीं ये यहाँ की परमानेंट लाइटिंग या डेकोरेशन होती है यहाँ कि सिर्फ ये क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे की हुई है। खैर अब इसके बारे में तो हम नहीं कंफर्म कह सकते क्योंकि हम क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे आए हैं, तो एनीवेज जो लोग यहाँ पे रहते हैं या जिनको ज़्यादा पता है तो नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब बाकी स्ट्रीट में ज़्यादातर तो रेस्टोरेंट्स ही नज़र आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट के ऊपर ओपन एयर, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ठंड है लेकिन बहुत ही वेरिएबल सी ठंड है कि इतना फील नहीं हो रहा, बिल्कुल वॉक करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त वेदर फील हो रहा है। हल्की हल्की ठंड है लेकिन इस ठंड और इस सारी इन्वायरमेंट में वॉक करने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है। तो खैर अभी इस वीडियो को इसी वॉक के साथ इधर एंड करते हैं। अभी हम मे बी इधर रुक के कहीं डिनर वगैरह करें। तो बाकी आपसे मिलते हैं हम अगली अपनी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बोन ना दाल। मेरा ख्याल हैप्पी न्यू ईयर है इसका मतलब।